दो टीम्स जिनकी किस्मत और जिनका फॉर्म बहुत ही अलग और उसका ही मुजाहरा पिच पे मिलता हुआ आज बटू भाई। बिल्कुल, और ये वो मौका बना था पहला एसीज बंगाल के लिए। नारायण दास का शॉट और गुरप्रीत संधु की एक अच्छी सेव। वहीं दूसरी ओर दबदबा डालने की कोशिश को की, लेकिन किस्मत और बेंगलुरु एफसी दो अलग अलग कोने में रहे हैं आज। बिल्कुल, और ये मौका भी बना था लिटन डिसवल सिल्वा के लिए। लेटन डिसिल्वा के लिए वो मौका मिला तो था, लेकिन अब फिर उसके बाद जब मौके मिले मैटी स्टीमन को, तब उन्होंने कोई गलती नहीं की। बड़ू भाई, क्या फिनिश है ये। बिल्कुल, और कोई गलती नहीं स्टीमन की भी, और लाजवाब फिनिश जिसकी वजह से एक गोल मिला एसीज बंगाल को और वही फासला बना पूरे अंत के मैच तक। दो शून्य हो सकता था अगर नारायण दास थोड़ा अपना रन बनाकर रखते, फिसल गए अंतिम समय पर। फिर 2-0 इधर भी हो सकता था। क्या पास निकाला था ब्राइट ने हरमनप्रीत सिंह के लिए, लेकिन गोल में तब्दील नहीं हुआ और फासला जैसा कि वड्डू भाई ने बोला उस समय ही खत्म हो गया था। बिल्कुल, और बेंगलुरु एफसी ने मौके बनाए, और ये मौका बना था सुनील छेत्री के लिए, लेकिन देवजीत मजुमदार की ये खूबसूरत सेव जिसके चलते गोल होने से बच गया। छेत्री बनाम देवजीत दो तीन बार हुआ, ये नंबर दो और नंबर तीन का मौका देखिए, वो शायद सबसे लाजवाब सेव है जो ये वाला मौका है बटू भाई। बिल्कुल, ये मौका था वो जो बन सकता था गोल छेत्री के लिए भी और बेंगलुरु एफसी के लिए, लेकिन देवजीत मजुमदार ने वहां पे खूबसूरत सेव दे के बचा लिया अपनी टीम को। और यहां पर 2-0 हो सकता था, ब्राइट ने किया वार, लेकिन गोल नहीं मार पाए गुरप्रीत को पार करने के बाद। 1-0 जीत सुनिश्चित ईस्ट बंगाल की।